न्यूज वर्ल्ड एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने में है डीसीए फ्री क्लास, ये आप लोगों के बीच में हम लाए हैं डीसीए का फ्री क्लास। आप घर बैठे आप डीसीए क्लास कर सकते हैं। इसमें हम डीसीए के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा करके सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों हम चलते हैं नोट पैड, जो हमारा पहला क्लास है उसको देखने का प्रयास करते हैं। इससे पहला वाला क्लास जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक, वहां जा कर के आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल है। कंप्यूटर के संबंध में जानकारियां उसमें हासिल करना है और उसके संबंध में एक बहुत बड़ा ही पोस्ट वेबसाइट पर डला हुआ है newswirelsk.com पर, ठीक है। तो कंप्यूटर सेक्शन में जाएंगे, कंप्यूटर मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कंप्यूटर से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ। नोट पैड क्या है उसके बारे में जानना पहला काम हमारा बनता है। कंप्यूटर पर हम जो ही काम करते हैं तो टाइपिंग यानी कीबोर्ड हमारे पास होता है, माउस होता है, तो कुछ हमको नोट करना है तो उस संबंध में देख लेते हैं कि नोट पैड क्या है। तो नोट पैड साधारण रूप से एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। ये एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है जो सभी विंडोज़ के लिए होता है, ठीक है। नोट पैड में हम लोग प्लेन टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और नोट पैड जो हम तैयार करते हैं उसका फाइल जो तैयार करते हैं तो उसका एक्सटेंशन हो txt.txt, ये नोट पैड का एक्सटेंशन होता है एक्सटेंशन। चलिए नोट पैड के बारे में और कुछ जान लिया जाए कि ये नोट पैड जो आया तो नोट पैड कब आया, इसको कौन बनाया, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो नोट पैड को मूल रूप से फर्स्ट टाइम में जो रिलीज़ किया लाया वो था रिचर्ड ब्रोडे। रिचर्ड ब्रोडे नाम का व्यक्ति नोट पैड को लाया और पहली बार ये 1983 ईस्वी में नोट पैड को लाया, ठीक है। जितने भी विंडोज है सभी में आपको नोट पैड मिल जाएगा, ठीक है, प्रत्येक विंडोज में। ठीक है, तो किसी भी विंडोज में नोट पैड को हम देख सकते हैं। अब चलिए नोट पैड, यहां पर एक प्रश्न बनता है नोट पैड और वर्ड पैड, ठीक है, नोट पैड और वर्ड पैड में क्या अंतर है, इसको भी देख लेते हैं। नोट पैड और वर्ड पैड में क्या अंतर है? तो नोट पैड में हम मुख्य रूप से टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक, प्लेन डॉक्यूमेंट उसमें हम बना सकते हैं। जबकि वर्ड पैड जो है वो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जिसमें हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और उसमें स्पेलिंग चेक फॉर्मेटिंग इत्यादि ढेर सारे वर्क हम कर सकते हैं किसमें, वर्ड पैड में, ठीक है। वर्ड पैड के लिए फाइल में जाएंगे और एसेसरीज के अंतर्गत होता है, जैसे नोट पैड हुआ ना, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे और इसमें होता है वर्ड पैड एसेसरीज के अंतर्गत, ठीक। तो एसेसरीज में हम देख लीजिए वर्ड पैड कहाँ है, ठीक, तो वर्ड पैड आपके सामने में खुल रहा है, देखिए इस टाइप का होता है, ये हुआ वर्ड पैड। तो वर्ड पैड में हम ढेर सारे वर्क कर सकते हैं नोट पैड से ज़्यादा, ठीक है, बट नोट पैड में हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसमें हम अनलिमिटेड टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसमें पेज का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, जितना भी काम करना है होता है हम कर सकते हैं। दूसरी बात, नोट पैड का एक और फ़ायदा है कि नोट पैड में हम HTML यानी इंटरनेट का जो प्रोग्राम होता है, कोडिंग होता है, उसको हम नोट पैड में ही बनाते हैं, ठीक है। तो कोडिंग हम नोट पैड के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए हम नोट पैड को एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। ये तो नोट पैड के संबंध में जानकारियां आपके साथ हम शेयर कर रहे थे, अब हम जानते हैं कि नोट पैड में होता क्या सब है, ठीक है। सबसे पहला काम, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक, आपको हम शुरू से दिखाएंगे, दोनों को क्लोज कर रहे हैं। स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे और ऑल प्रोग्राम के अंतर्गत एसेसरीज नाम का एक होता है उसमें क्लिक करेंगे और इसमें देख लीजिए नोट पैड है, ये खोल लिया, ठीक है, नोट पैड हमारा खुल के तैयार हो गया।
दूसरा नोटपैड खोलने का तरीका एक और है कि हम स्टार्ट में जाएंगे और ये देखिए सर्च है ना, सर्च प्रोग्राम, इसमें हम नोटपैड टाइप कीजिए, नोटपैड, ठीक है, और इंटर दबाएंगे तो नोटपैड हमारे साथ खुल करके